बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान जमशेद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट एंड करंट डेंसिटी, और ये हमारा चैप्टर 5 शुरू हो गया है, और दैट्स कंडक्टर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो करंट एंड करंट डेंसिटी है। तो करंट क्या है? यू नो, मोशन ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट, और इसकी यूनिट जो है वो एम्पेयर्स है, एंड इट्स डिफाइंड एज अ रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पासिंग अ गिवन रेफरेंस पॉइंट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। किसी भी जगह से चार्ज, जो टाइम के साथ चार्ज का फ्लो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से भी आप इसे कहें, दैट इज कॉल्ड करंट। इसे तो आप पहले ही से वाकिफ हैं। अब इसमें करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी एक नई टर्म जो है वो यहाँ पे आई है पहली दफ़ा, और करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है ये, और रिप्रेजेंट हम इसको जे से करते हैं। और करंट डेंसिटी क्या है? दैट्स करंट पर सरफेस है, और इसकी यूनिट जो है वो एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वेयर है। और आप बिल्कुल इसको अगर लर्न करना चाहते हैं तो इसका अंदाज़ा बिल्कुल जैसे आप फ्लक्स, और फ्लक्स डेंसिटी थी वहाँ पे, हमने पिछले चैप्टर्स में जो है वो फ्लक्स डेंसिटी डी वेक्टर पे काफ़ी काम किया है। हमने अपना डाइवर्जेंस जो थ्योरम था वो भी डी वेक्टर पे ही हमने निकाला था। तो अब ये जे जो है वो उस डी की जगह ले रहा है, और उसमें भी जैसे एक सरफेस के साथ अगर डी नॉर्मल होता था तो वहाँ पे हम कह देते थे कि हम जो उसका डॉट प्रोडक्ट था उसको सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते थे। इस इक्वेशन से आप इजीली जो है वो डेल आई इज इक्वल टू जे एन डेल एस। तो यहाँ जो जे एन है बेसिकली ये बताता है कि वो सरफेस के साथ नॉर्मल है। तो अगर उससे नीचे की इक्वेशन 2 को देखें तो ये काफ़ी फेमिलियर इक्वेशन है उस हिसाब से जैसा कि वहाँ पे थी। वहाँ पे डेल क्यू जो था वो डी डॉट डेल एस के इक्वल होता था, और यहाँ डेल आई इज इक्वल टू जे डॉट डेल एस है। और अगर नॉर्मली वो सरफेस के साथ, पता नहीं आपको कि वो नॉर्मल है या नहीं है, तो फिर आप इक्वेशन 2 से काम लेंगे। अगर आप यकीन है आपको कि वो जे जो है वो सरफेस के साथ नॉर्मल है, देन आप इसको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अदरवाइज ये इक्वेशन 2 ही वैलिड है, और बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था कि अगर ये बिल्कुल पॉइंट फॉर्म है, को बहुत ही छोटे से हमने एक करंट का हिस्सा लिया है, तो लिहाजा अगर हम उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हम टोटल करंट सारा इकट्ठा कर सकते हैं। और टोटल करंट आई इज इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल है जे डॉट डी एस का, और जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सरफेस भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल मैच करती है उस इक्वेशन से जो आपकी गॉसेस लॉ की इक्वेशन थी, दैट वाज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस। ये बिल्कुल उससे मुमासलत रखती है, और आप जब भी उन इक्वेशंस को ज़रूर जहन में रखें, एक तरफ ज़रूर लिख के रखें, ताकि आपको इसकी समझ आसानी से आ जाए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ रिलेटिंग करंट डेंसिटी टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ इस करंट डेंसिटी जे का एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं, और देखते हैं वो कैसे डेवलप होगा और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आपको पता है कि रो वी जो है वो इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल क्यू ओवर डेल वी है। चार्ज पर वॉल्यूम जो है वो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और हम इसको डेल क्यू इज इक्वल टू रो वी डेल वी भी लिख सकते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसी तरह से ये अगर हम इसको, ये जो डेल वी है ये बेसिकली वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो है हमने वॉल्यूम को क्या किया है, स्प्लिट आउट कर दिया है, एरिया अलग कर लिया है और लेंथ को अलग कर लिया है। अगर फेस है आपका, एरिया है, और उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डेल वी बन जाता है। तो ये इक्वेशन 5 में उसने ऐसे क्यों किया है? असल में उसने सहारा लिया है इस तस्वीर का, इस इमेज का, फिगर का। मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे है, ये पेज 111 पे है, और इसमें आप देखें कि ये छोटा सा वॉल्यूम है, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम को डेल्टा वी कहा जा रहा है। ठीक है, इसका जो ये एक फेस है, जो फ्रंट फेस है, हम सिर्फ पहले इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा जेरे बैस है इस वक्त, तो लिहाजा हम इसको डेल एस का नाम दे रहे हैं।
इसको हम डेल एस का नाम दे रहे हैं। तो ये जो आपका फेस है, अगर इस फेस को, इसकी ये जो लेंथ है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस, जितने ये डिस्टेंस पे ये फेस मौजूद है उसको आप डेल एल कह दें, तो ये आपका पूरा एक वॉल्यूम बन जाता है। मीन फेस दिस एरिया इनटू दिस लेंथ, ये पूरा वॉल्यूम, यही वाला पूरा वॉल्यूम आ जाता है। तो वहां पे उसने यही किया है कि डेल वी को कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट आउट कर दिया है या प्रोडक्ट बना दिया है डेल एस और डेल एल का। तो हम इसको जो है वो, अब इक्वेशन जो हमारी है डेल क्यू है, अब उसमें रो की जगह हमने डेल एस और डेल एल पुट करना है, तो हमने रो एल इक्वेशन सिक्स में कन्वर्ट कर दिया, रो एल डी एस डी एल। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो ये तो हमें पता है कि डेल आई जो है इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी, इक्वेशन सेवन, ये हमसे पहले ही फेमिलियर है। तो अब ये क्या बन जाएगा, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अब इक्वेशन सिक्स और इक्वेशन एट आप इन दोनों को सिंपली कंपेयर करें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, डेल आई डेल टी इज इक्वल टू रो वी डेल एस डेल एल। तो यहाँ से आप इसको डेल आई को सिर्फ एक तरफ रखें और बाकी डेल टी को उस तरफ ले जाएं, तो डेल एल और डेल टी हो जाएगा रो एल डेल एस। तो यहाँ से आप जो लेंथ है आप उसको अगर ये कहें कि ये कोई एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डेल एक्स का नाम दे रहा है, आप इसको डेल एक्स ना भी करें डेल एल भी रहने दें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है एक्स, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और उस छोटे से टाइम में हो रहा है, तो लिहाजा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट पर टाइम जो है ये वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है। तो हम क्योंकि अगर ये एक्स है तो हम ये एक्स वेलोसिटी कहेंगे, इसका मतलब है कि जो मूवमेंट हो रही है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रही है। तो अगर आप दोबारा से इस तस्वीर को देखें, इसमें जो मूवमेंट है फेस की, आप बी पार्ट में आ जाएं फिगर की, आप देखें कि फेस जो है वो अपनी पहली पोजीशन को छोड़ के उसने डेल एक्स जो है वो डिस्टेंस एक्स की तरफ कवर किया है, तो लिहाजा ये डेल एक्स उसने सफ़र तय किया, ये ब्लू डॉट लाइंस भी दिखाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा जो है वो वी एक्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन है। यहाँ मैंने बताया भी है कि फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर के बगैर आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो तो बहुत इजी हैं, वो वैसे ही हैं जैसे आपने गॉसेस लॉ में और जैसे कि आपने डाइवर्जेंस में, वहाँ सारी ये इक्वेशंस इनसे आप फेमिलियर हैं। उसके बाद अब डेल आई इज इक्वल टू इक्वेशन 11 हमने लिखी है, डेल आई बेसिकली ये जो आप अब वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन 10 में, इस फैक्टर को आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल आई इज इक्वल टू रो वी डेल एस वी एक्स। तो अगर आई के नीचे एस को इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा, ये जे बन जाएगा, क्योंकि ये करंट डेंसिटी बन जाएगी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू रो वी वी एक्स। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इन्वॉल्व है, वी एक्स इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि वी एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी वी। तो लिहाजा अगर इसमें सिर्फ क्योंकि वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट मौजूद है, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम जे एक्स रखा। अगर वेलोसिटी जनरल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, तो फिर हम जे को भी जनरलाइज कर लेंगे। और इक्वेशन 13 जो है हमारी, ये बेसिकली जनरलाइज इक्वेशन है, और जो इक्वेशन 12 है वो हमारी सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए है, एक्स कंपोनेंट के लिए। तो जे क्या है, हमारी करंट डेंसिटी है, रो वी क्या है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, और वी जो है चार्ज वेलोसिटी है, फ्लो रेट है। तो हम क्या कहेंगे, इससे हमें क्या साबित हुआ, ये हमारी जो है वो हेंस करंट डेंसिटी इज लीनियरली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी एज वेल एज द वेलोसिटी। ये साबित हुआ है कि हमारी जो करंट डेंसिटी है वो लीनियरली रिलेट करती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह डेंसिटी ज्यादा हो जाए, या तो वहां पे चार्जेस बढ़ा दें, या फिर वहां से चार्जेस जिस रेट से गुजर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से गुजर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा दें। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टनल के अंदर, किसी टनल के अंदर आप गाड़ियां बढ़ाना चाहते हैं, तो गाड़ियों की डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, या तो वहां गाड़ियां ज्यादा स्पीड से गुजरें, या गाड़ियों की तादाद ज्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया।